Well, welcome back, students. In this very short video, I am going to take a very important, aspect of the anatomy that is called as the extensor expansion, or you may call it also the dorsal digital expansion. Why it is called as the dorsal digital expansion? These are the digits or fingers, okay, that are called as the digital. And on the dorsal aspect, the extensor tendon, which is called as the extensor digitorum tendon, going to the dorsal aspect or the back side of the hand here, and in the digits it forms an expansion. Okay, the tendon become expanded, choda ho jata hai, aur phir uske hisab se wo choda hone ke baad extensor digitorum ka tendon phir un fingers pe attach hota hai, wo expansion jiske karan ki extensor digitorum ka tendon apna insertion prapt karta hai piche ki tarah digit ko, usko hum dorsal digital expansion bolte hain ya extensor expansion. क्योंकि ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है और ये जो एक्सपांसन हो रहा है वो एक्सटेंसर टेंडन्स में हो रहा है. फॉर एग्जांपल, दिस एक्सटेंसर एक्सपांसन जो है वो हमें मीडियल फोर फिंगर्स में दिखता है, दैट इज़ द लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, इंडेक्स मिडिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर के पीछे की तरफ से ये एक्सपांसन दिखता है डॉर्सल आस्पेक्ट पे. एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसको ओवरलेप करता हुआ है. दिस इज द मेटाकार्पल बोन, हेड ऑफ द मेटाकार्पल बोन, एंड दिस टेंडन इज द टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर एक्स डिजिटोरम. दिस इज द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम. मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिए अपनी अपनी नोटबुक के अंदर. सो ये पोस्टियर आस्पेक्ट है, मेटाकार्पल का हेड है, और उस पर जो एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन जा रहा है वो जब ये अप्रोच करता है मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट को, तो उसकी पोस्टियर आस्पेक्ट पे, फॉर एग्जांपल जब वो पोस्टियर आस्पेक्ट आएगा मेटाकार्पोफेल, तो ये टेंडन एक्सपांड हो जाएगा. इसलिए इसको एक्सटेंसर एक्सपांसन बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा एक्सपांसन होगा जो ऑलमोस्ट मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट की डार्सल आस्पेक्ट को आमिर से कवर कर लेगा. उसके बाद जब ये हेड की तरफ जाएगा, फर्स्ट फैलिंग्स है, इसका हेड है, ये बेस है यहाँ पर. सो दिस इज़ द फर्स्ट फैलिंग्स, दिस विल बी द सेकेंड, and this is the third phalanx, okay, and I have taken and chosen this for the middle phalanx. So we are seeing this phalanx and the metatarsal from the posterior dorsal aspect. So jab ye metatarsophalanx ye jo interphalangeal joint ko pass pahunchega, tab ye jo expansion hai wo teen slips mein divide hoga. देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक एक्सपांसन है जो कि मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट को कवर कर रहा है, और यहाँ पर जैसे ही वो इंटरफेलिंजियल जॉइंट प्रॉक्सिमल पे पहुँचेगा तब उसकी तीन स्लिप्स बन जाएंगी. ये जो मिडिल स्लिप है वो जाकर के बेस ऑफ द सेकंड फैलिंग्स की डार्सल आस्पेक्ट पे इंसर्ट होगी, और जो लैटरल टू स्लिप्स हैं इसकी एक्सपांसन की वो साइड साइड में जाते हुए ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द हेड ऑफ द सेकेंड दिस फैलिंग्स वो एक दूसरे से यूनाइट कर लेंगी, और अल्टीमेटली बेस ऑफ द टर्मिनल फैलिंग के डार्सल आस्पेक्ट पे जा कर के वो अटैच हो जाएंगी. तो अल्टीमेटली जो एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन यहाँ से चला था वो दो दो फैलिंग्स के ऊपर अटैच हो रहा है, यहाँ पर मिडिल फैलिंग की बेस पे अटैच हो रहा है, और यहाँ टर्मिनल फैलिंग्स की बेस पे अटैच हो रहा है. अब प्रश्न ये उठता है कि ये एक्सपांसन बना क्यों? अगर इसको ऐसे ही अटैच होना था तो ये जो मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट के डॉर्सल आस्पेक्ट पे ये ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर जो एक्सपांसन हुआ ये बना क्यों है? इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, और वो उपयोग है कि अगर आप इसके लैटरल मार्जिन को देखें, इस एक्सटेंसर एक्सपांसन को, और उसकी मीडियल मार्जिन को देखें, तो वहाँ पर दो एंगल दिखेंगे, और इस एंगल के ऊपर मसल्स के टेंडन के अटैचमेंट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर, एक मिनट ज़रा मैं मसल कलर का चाक ढूँढ रहा हूँ, ये जो है यहाँ पर भी इस एंगल पे एक मसल अटैच होगी,
और यहाँ पर दो मसल अटैच होंगी लैटरल साइड में, एक मसल है ये लम्ब्राइकल है, दिस इज़ द सेकेंड लम्ब्राइकल. वाई सेकेंड? बिकॉज वी हैव चूजन दिस डिजिट फ्रॉम द मिडिल फिंगर, सो इट इज़ लम्ब्राइकल मसल है जो कि सेकेंड लम्ब्राइकल है. उसके साथ इसी एंगल पर एक और मसल आके अटैच होगी जिसका नाम है डॉर्सल इंट्रोसियाई. तो ये भी सेकेंड डॉर्सल इंट्रोसियस मसल है और दोनों आकर के इसके लैटरल एंगल पर अटैच हो जाएंगी. सो ऑन लैटरल साइड देर इज लम्ब्राइकल अटैचमेंट एज वेल एज द अटैचमेंट ऑफ इंट्रोसियाई. बट ऑन टू द मीडियल साइड ऑफ दिस फिंगर ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट, सपोज मैं अपना हाथ रखूं जो कि ये है, ये मिडिल फैलिंग्स है, ये लैटरल साइड है, ये मिडिल है, तो उसके इस मीडियल एक्सपांसन पर और एंगुलेशन पर एक और इंट्रोसियाई आएगी. अगर ये थर्ड फिंगर है या मिडिल फिंगर है तो ये होगी द थर्ड डॉर्सल इंट्रोसियाई. दिस विल बी थर्ड बिकॉज ये वाली अपन ने सेकेंड डॉर्सल इंट्रो. सो दोनों डॉर्सल इंट्रोसियाई मिडिल फैलिंग के एक्सटेंसर एक्सपांसन पे अटैच होती हैं, दूसरे एक्सपांसन पे. ओके, एक पर होगी डॉर्सल इंट्रोसियाई और दूसरी तरफ होगी पामर इंट्रोसियाई. ये डिफरेंस होगा. यहाँ पर हमने देखा कि डॉर्सल इंट्रोसियाई और लम्ब्राइकल्स यहाँ पर अटैच हो गई हैं. पर अगर हम इस साइड वाले डायग्राम में देखें जो कि अगेन मैंने मिडिल फैलिंग से लिया है, तो ये फर्स्ट दिस इज़ द थर्ड मेटाकार्पल बोन, दिस इज़ द फर्स्ट फैलिंग्स, दिस इज़ द इंटरमीडिएट फैलिंग्स, प्रॉक्सिमल बोलेंगे फर्स्ट को, प्रॉक्सिमल इंटरमीडिएट एंड डिस्टल फैलिंग्स हैं और ये एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन है. मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन जो कि फोरआर्म से आ रहा है, वो जैसे ही मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट आएगा वो एक्सपांड हो गया, तीन स्लिप में उसने डिवाइड किया, मिडिल सिलिंग स्लिप बेस ऑफ द डार्सल एस्पेक्ट ऑफ द मिडिल फैलिंग पे अटैच हो गई और ये जो टू लैटरल स्लिप्स थी वो उन्होंने यूनाइट किया, इन टर्मिनल फैलिंग्स इंटरफेलिंजियल जॉइंट को क्रॉस किया और डार्सल एस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल फैलिंग पे क्रॉस हो गई. अब अपन इसको लैटरल साइड से देख रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लैटरल एंगल पे दो मसल अटैच हो रही. अब ये एक ही मसल मैंने यहाँ दिखाई है और ये है इंट्रोसियाई, इट मे बी पामर इंट्रोसियाई और इट मे बी डॉर्सल इंट्रोसियाई. अगर ये कोई और दूसरी फिंगर है, मिडिल नहीं है, तो ये पामर इंट्रोसियाई हो सकती है, डॉर्सल भी हो सकती है. ये दो स्लिप में अटैच होती है इंट्रोसियाई और उसकी जो वेंट्रल, क्योंकि ये पामर एस्पेक्ट से मसल आएगी और इसने मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट को साइड से क्रॉस किया है लैटरल या मीडियल एस्पेक्ट से, दो स्लिप में डिवाइड हो गई, एक स्लिप जाकर के बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग के लैटरल एस्पेक्ट पे अटैच हो गई और दूसरी स्लिप जाकर के डिजिटल एक्सपांसन पे या एक्सटेंसर एक्सपांसन पे अटैच हो गई. तो इंट्रोसियाई दो जगह अटैच होती हैं, बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग ऑन द पामर एस्पेक्ट और द लैटरल एस्पेक्ट, जबकि डार्सल, जबकि जो इंट्रोसियाई का दूसरी स्लिप है वो एक्सटेंसर एक्सपांसन पे अटैच होती है. अगर हम लम्ब्राइकल्स को देखें तो लम्ब्राइकल्स का अटैचमेंट पीछे की तरफ क्रॉस करके जाती हैं मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट को और एक्सटेंसर एक्सपांसन पे ही होता है. इसका मतलब क्या है, वाई दिस काइंड ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एक्सटेंसर एक्सपांसन यहाँ पर होता है? उसका मतलब ये है कि जब इंट्रोसियाई या लम्ब्राइकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि ये सब पामर एस्पेक्ट से डॉर्सल एस्पेक्ट की तरफ आ रही हैं, तो ये जो इंट्रोसियाई हैं, चाहे पामर हो या डॉर्सल हो या लम्ब्राइकल हो, वो एक्सटेंसर एक्सपांसन के लैमिना को पीछे की तरफ खींचती हैं. उसके कारण क्या होता है, पुल यहाँ पर डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल फैलिंग पे होता है, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ सेकेंड फैलिंग पे होता है. सो उसके कारण डिस्टल और प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन होगा, क्योंकि ये डॉर्सल एस्पेक्ट से इनको खींच रही हैं, इसलिए फिंगर पे ये एक्सटेंशन करेंगी डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट और द प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट पे, तो फिंगर एक्सटेंडेड पोजीशन में आ जाएगी. ये फिंगर एक्सटेंडेड
पर चूंकि ये इंट्रोसियाई हैं वो पामर से डार्सल एस्पेक्ट की तरफ आई हैं, जैसे कि लम्ब्राइकल्स भी है, और जब ये पामर एस्पेक्ट पे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो क्या करेंगी कि वो मेटाकार्पोफेलिंजियल जाइन पे यहाँ पर फ्लैक्सन पैदा करेंगी। मैं अगर इसको इस ढंग से दिखाऊं तो ये मेटाकार्पोफेलिंजियल जाइंट है और यहाँ पर फ्लैक्सन होगा, जबकि इंट्रोफेलिंजियल जाइंट पर ये एक्सटेंशन। तो इसका महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है कि जो एक्सटेंसर एक्सपांसन है वो इंटरफेलिंजियल जाइंट के ऊपर एक्सटेंशन करता है, बट मेटाकार्पोफेलिंजियल जाइंट पे वो फ्लेक्सन करता है। और ये पोजीशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रिप के लिए हम कोई चीज़ पकड़ते हैं तो ये बहुत ज़रूरी ग्रिप होती है, जहाँ पर कि मेटाकार्पोफेलिंजियल जाइंट के ऊपर फ्लेक्सन हो और इंटरफेलिंजियल जाइंट पर एक्सटेंशन हो। जैसे कि हम अगर पेन होल्ड करके लिखते हैं तो मेटाकार्पोफेलिंजियल जाइंट पे फ्लेक्सन है और इंटरफेलिंजियल जाइंट पर एक्सटेंशन होता है, ये इसका महत्व है। ये कंप्लीट हुआ आपका एक्सटेंसर एक्सपांसन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।